हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने फ़ोन को रूट कर सकते हो अगर आपका फ़ोन स्लॉट ए और स्लॉट बी वाला फ़ोन है तो। और ये उन लोगों के लिए भी है जो एंड्रॉयड 1 चलाते हैं, तो मैं आपको आज आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आप डायरेक्ट चलिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले बूट लोडर में आना है। जब तक ये डाउनलोड मोड में जाता है बूट लोडर में जाकर, तब तक अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि मैं अलग अलग आपको इस तरह से वीडियो और भी लेकर आऊँ फ्यूचर में। तो ये काम अगर बूट लोडर में आपको जाना है, जैसे आप दिखाता हूँ मैं, तो ये डाउनलोड मोड में आ चुका है। अब आपको भी अगर डाउनलोड मोड में आसानी से जाना है तो वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को थोड़ा होल्ड करके रखना है, ताकि आपका बूट करे तो ये डाउनलोड मोड में जाए। ये एंड्रॉयड 1 के लिए भी बता रहा हूँ मैं, ये नोकिया के फ़ोन्स के लिए बता रहा हूँ। अब चलते हैं पीसी पे, ताकि इसके TWRP को बूट कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पीसी पे चलते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग पीसी पर इस तरह से। यहाँ पर आके मिनिमल ADB फास्ट बूट पे इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद कमांड्स देने हैं। पहले तो आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन ऑन होना चाहिए, और उसमें जाकर जो USB डिबगिंग है उसको भी ऑन कर देना है, ताकि इसमें से जो भी फाइल ट्रांसफ़र है, कम से कम आपके फ़ोन में फाइल ट्रांसफ़र हो पाए थ्रू द आपका फास्ट बूट। और इसके लिए आपको ये सब आप फाइल्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मैजिस की फ़ाइल है और एक TWRP की फ़ाइल है। TWRP की जो फाइल है 3.3.1 वो मत डाउनलोड कीजिएगा, मैं 3.2.3 की जो दे रहा हूँ वर्जन, उसे आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैजिस की तो आपको वेबसाइट पे कहीं भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आने के बाद आपको कमांड डालना है। सबसे पहले आपके फास्ट बूट का, आपके फ़ोन को पहचानने का कमांड है ये। तो इसमें डालते हैं ADB डिवाइसेस भी डाल सकते हैं, फास्ट बूट डिवाइसेस भी डाल सकते हैं, तो कुछ भी है। तो चलिए लिखते हैं कमांड इसका। तो चलिए, इसको फास्ट बूट है तो ADB कमांड भी ले सकते हैं इसमें, तो ADB भी ले लेते हैं। तो चलिए ADB डिवाइसेस, इससे मेरा डिवाइस का पता चलेगा कि कनेक्ट हुआ या नहीं। और याद से डेवलपर ऑप्शन में जाना है आपको, और उसमें जाकर आपका USB डिबगिंग भी ऑन कर देना है। और दोस्तों, आपको बैटरी फुल रखनी है, अच्छा से चार्ज कर लेना है फ़ोन को, ताकि बीच में फ़ोन अगर किसी भी तरह से अगर बूट लूप में आए तो आपका फ़ोन वहीं फंस ना जाए और डेड ना पड़ जाए, ब्रिक हो जाए। तो ये सब चीज़ के लिए, बचाव के लिए आप एक USB भी रखना है आपके पास। तो USB भी अच्छी क्वालिटी की लेनी है, ख़राब क्वालिटी की नहीं लेनी है। तो ये सब आप कुछ ज़रूरी सेफ्टी मेजर्स हैं याद रखें। मैंने देखिए इस तरह से क्लिक कर दिया, इसको इंटर कर दिया। फिर आते हैं अब हमारी जो रिकवरी है, ये जो TWRP उसको फ्लैश करना है हमें। ये आपको बूट लोडर आपको अनलॉक रहेगा तभी हो पाएगा, अगर अनलॉक नहीं है तो ये रूट नहीं हो सकता है दोस्तों। इस तरह से मैंने फ़ाइल ले ली है और इसको अब इंटर कर दिया है। अब आते हैं TWRP। हमारे जो भी एंड्रॉयड 1 फ़ोन आते हैं, डबल स्लॉट के फ़ोन आते हैं, किसी किसी फ़ोन में वो TWRP इंस्टॉल नहीं होता है। तो हम लोगों को क्या करना होता है, बूट फ़िलहाल हम परमानेंटली तो उसे नहीं ले सकते हैं, TWRP को फ़िलहाल के लिए मोबाइल में बूट कर सकते हैं, इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग TWRP को बूट कर रहे हैं। इंस्टॉल मत करिएगा परमानेंटली, थोड़ा बगी है, और TWRP इस तरह से बूट करेगा, मैं आपको फ़ोन में दिखाता हूँ। चलिए, तो इस तरह से देख सकते हैं आप, मेरा फ़ोन बूट हो चुका है TWRP में। इसको ऑन होने देते हैं तब तक। ये देखिए एंड्रॉयड 1, ये देखिए आ गया मेरा। इसी बात पे सब्सक्राइब। तो TWRP इस तरह से आपका बूट हो चुका है। यहाँ पर आने के बाद आपको चलना है इंस्टॉल में, और इंस्टॉल में जाकर आपको zip फाइल जो आपको मैंने दिखाई थी मैजिस की, उसको लेना है। और उसको लेने के बाद आपको बस फ्लैश कर देना है इस तरह से, मैं दिखाता हूँ आपको। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी है कि वो आपका रोम जो है किस स्लॉट में है, आपके स्लॉट ए में है, स्लॉट बी में है। इसमें मेरा स्लॉट बी है, तो मैं इसको ध्यान से याद रखना है कि मेरे स्लॉट बी में वो फ्लैश हुआ है जो मैजिस की फ़ाइल है। अब हम लोग को क्या करना है कि इसको वापस बैक करके हमारे फिर से बूट लोडर ए में आना है, और उसमें जाकर फिर ये चीज़ फ्लैश कर देना है, यही मैजिस जो फाइल है। तो इस तरह से दोनों स्लॉट में अगर ये रूट हो जाता है तो हमारे पास परमानेंट रूट मिल जाता है। तो फिलहाल ये बी हो चुका है हमारा रूट लगभग। तो इसी बात पे ये सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जो भी है दबा दीजिए। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा
होने ही वाला है। ये देखिए हो गया। तो अब चलते हैं वापस से, हमारा स्लॉट बी था तो इसमें यहाँ पर आके हम लोग स्लॉट ए में जाएंगे। तो स्लॉट ए हम लोग क्लिक कर देते हैं वापस से, और फिर बूट लोडर में वापस से जाना है। यहाँ आप देख सकते हो कि नो ओएस इंस्टॉल लिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि ये आपका जो स्लॉट ए था जिसके कारण से ये लिख रहा है उसमें कोई ओएस नहीं है, तो इसीलिए ये कोई दिक्कत नहीं। आप इसको स्वाइप करके आगे बढ़ जाइए जब उसमें आपका कोई रोम नहीं था स्लॉट ए में, तो क्योंकि मेरे में नहीं था तो हो सकता आप में भी यही चीज़ शो करे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से हम लोग को आना है वहीं कंप्यूटर पे, और आने के बाद फास्ट बूट में जो पहले का प्रोसेस था वही करना है। फिर से हम लोग को फिर से TWRP को बूट करना है, तो फिर से वही चीज़ काम करेंगे। यहाँ पे अब मैं चूज़ कर लेता हूँ फास्ट बूट डिवाइसेस, कोई दिक्कत नहीं है, ADV डिवाइसेस, फास्ट बूट डिवाइसेस कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आने के बाद मैं फ्लैश कर लेता हूँ वही रिकवरी जो थी वापस से। कुछ बग्स हैं जिसके चलते इसको परमानेंटली मैं फ्लैश नहीं कर सकता हूँ, कोई कोई फोन्स में ऐसे बग्स होते हैं। तो इस तरह से ये फ्लैश हो चुका है। अब हम फिर से TWRP को बूट करेंगे। बूट करने के लिए कमांड है फास्ट बूट बूट, और जो TWRP फाइल है उसको डाल देनी है। तो इस तरह से फाइल को मैंने डाल दिया और अब मेरा फ़ोन बूट करने लगा होगा। तो चलते हैं फ़ोन की तरफ। तो ये बूट हो चुका, तो इस तरह से देख सकते हैं आप। फिर से हम लोग TWRP में आ चुके हैं, और अब हम लोग इस बार आए हैं स्लॉट ए में, क्योंकि उस टाइम चूज़ किया था स्लॉट ए और वापस से बूट लोडर में हम लोग बैक हुए थे, तो हम लोग स्लॉट ए ही में हैं अभी तक। तो यहाँ पे भी आके वापस से मैजिस को फ्लैश कर देना है स्लॉट ए में भी, इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ आप खुद भी देख सकते हो आप करंट बूट स्लॉट स्लॉट ए है, तो यहाँ से भी पता लगा सकते हो कि आपका फ्लैश कहाँ हुआ है। और ये मैं परमानेंटली आपका रूट के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप चाहो तो एक भी आपका अगर है स्लॉट तो उसमें भी आप फ्लैश करके रह सकते हो, लेकिन ये परमानेंट रूट आपके पास हो जाएगा। तो उसको फ्लैश होने देते हैं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज लग रहे हो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी आप कमेंट में लिखो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। और अगर आपका ये चीज़ काम कर रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है, तो ये लाइक भी कर दो यार, लाइक की आपकी बहुत ज़रूरत है। तो फिर यहाँ आने के बाद दोस्तों फिर से क्या करना है, स्लॉट बी चूज़ करना है अगर फ्लैश कर दिए हो। इसके बाद से आपको सिस्टम में रिबूट कर जाना है, तो आप से वापस से आपका फ़ोन ऑन होगा। तो इसको ऑन होने देते हैं। इस तरह से आपका मैजिस तो फ्लैश हो चुका है, अब अंदर जाकर फ़ोन में उसको मैजिस को इंस्टॉल करेंगे। अगर पहले से इंस्टॉल हो चुका होगा तो ओके है, अगर नहीं है तो मैं वो भी बता देता हूँ कैसे इसको इंस्टॉल करना है और आपके पास रूट कैसे हासिल करना है आपके फ़ोन में। तो चलिए देखते हैं। तो इसको बूट होने में थोड़ा वक्त लगेगा, मैंने कुछ भी कट नहीं किया है, सब कुछ सामने है, जो दिख रहा है सब सामने, कोई भी पोर्शन मैंने हटाया नहीं है, क्योंकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो मेरे वीडियो को देखकर। ये भी मैंने जो इंस्टॉल किया है इसकी भी मैंने रिव्यू लाई है, एंशियंट रोम मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो आप, तो वो भी मेरा चैनल पर है, नोकिया 6.1 प्लस के लिए है, तो वो भी जाकर आप देख सकते हो। तो मैं फिर से इसको अलाउ करता हूँ USB डिबगिंग को, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो मेरे पास पावर रहेगा कि कंप्यूटर से मैं उसे कोई भी फाइल ट्रांसफ़र कर पाऊँ। तो आते हैं मैजिस्क है, लेकिन फिर भी चलिए आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको, अगर नहीं हो तो फिर भी इसको इंस्टॉल कैसे करना है और मैजिस्क को इनेबल कैसे करना है। वैसे आपने फ्लैश कर लिया है वो समझिए आधा काम आपका पूरा हो चुका है। तो फिर से आना है, अगर आपको मैजिस की APK फाइल डाउनलोड करके पहले से रखनी है, वो भी आपके जो लेटेस्ट वर्जन वाली होगी वो रखनी है। तो यहाँ पे आने के बाद मैजिस को आप देख सकते हो, मैं इस तरह से क्लिक करके डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो हो गया इंस्टॉल, अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो चलिए ओपन कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हो मैजिस्क इज़ अप टू डेट, मेरा दोनों अप टू डेट है। और मैं आगे चल के इसको अब जो भी हाइड करना है या फिर जो भी मॉड्यूल्स यूज़ करने हैं मैं आगे यूज़ कर लूँगा। लेकिन आपको अगर इस तरह से वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।